नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार। मौसम साफ होने के चलते किसान भी धान की कटाई के कार्य में जुटे हुए हैं। अनाज मंडियों में दिन प्रतिदिन धान की आवक तेजी पकड़ रही है। क्षेत्र की तीनों अनाज मंडियों में अब तक करीब 82,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। अनाज मंडियों में जाम न लगे इसके लिए उठान का कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। मार्केट कमेटी के सचिव दीपक कुमार का कहना है कि धान खरीद का कार्य ठीक प्रकार चल रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने की वजह से धान की आवक तेजी पकड़ रही है। वहीं उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान की फसल को सुखाकर अनाज मंडी में लेकर आए ताकि खरीद में किसी प्रकार की परेशानी किसानों को न झेलनी पड़े। श्री राम विचार वाटिका छोटाबास द्वारा स्वामी आत्म रामानंद चैरिटेबल आई हॉस्पिटल का शुभारंभ बुधवार को किया जाएगा। इस हॉस्पिटल का शुभारंभ पहले हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा किया जाना था, लेकिन उनके किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण अब इस आंखों के हॉस्पिटल का शुभारंभ कुरुक्षेत्र सांसद नैब सिंह सैनी द्वारा किया जाएगा। श्री राम विचार वाटिका के संचालक स्वामी उदय आत्मानंद पुरी ने बताया कि इस हॉस्पिटल में उच्च तकनीकी मशीनों को मंगवाया गया है, जिससे आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। हॉस्पिटल में नाम मात्र खर्चे पर ऑपरेशन वेलनेस डालने तथा आंखों की अन्य बीमारियों का इलाज विदेशों से मंगवाई गई मशीनों द्वारा किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की एक अहम बैठक रादौर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संरक्षक जयपाल चमरोनी ने की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि इस बार पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट 380 रुपये घोषित किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे देश में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट दिए जाने का दावा करते हैं, इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को चाहिए कि गन्ने का रेट किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए, ताकि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट हरियाणा में ही मिलने का दावा धरातल पर सही साबित हो सकेगा। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर उपमंडल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सत्येंद्र सिवाच ने की। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों सहित पंचायत व राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी सत्येंद्र सिवाच ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए इन सीटू एक्स सीटू स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत जो किसान अपनी पराली को जमीन के अंदर ही मिलाएगा और बेलर के द्वारा गांठे बनवाएगा, उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाएगी। इस अवसर पर खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर केश अग्रवाल ने बताया कि जो किसान इन सीटू एक्स सीटू स्कीम का लाभ लेना चाहता है, उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में दशहरे का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में बुराइयों से दूर रहने के संकल्प के साथ रावण रूपी पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल रमन शर्मा ने कहा कि रावण 4 वेद व 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, उनके जैसा विद्वान कोई भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अहंकार के कारण रावण का विनाश हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा रावण का नहीं अभी तो इस समाज में फैल रही बुराइयों का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि यह दशहरे का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी समाज में फैली बुराइयों से स्वयं भी बचेंगे व दूसरों को भी बचाने का प्रयत्न करेंगे। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहे नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।